तो भाई फाइनली पहुंच गए सरचू और काफ़ी ठंड है। और भाई दराज के बाद यही सेकंड आता है कोल्डेस्ट एरिया में। यहाँ की जो ठंड है ना भाई बिल्कुल सूखी है, और ऑक्सीजन ना होने के कारण जो भाई दिमाग में प्रेशर बना हुआ है, और जो ठंडी हवा लग रही है यहाँ, उसने सिर में दर्द कर दिया बिल्कुल। और रास्ता भाई काफ़ी गंदा था, पीछे का बहुत गंदा रास्ता था। अभी बस 1-2 किलोमीटर पहले ही बिल्कुल साफ रोड आने शुरू हुए हैं, और उधर की तरफ है भाई कैंप सारे रुकने के लिए। अगर कोई आए और गलती से कोई फंस भी जाए अगर रात को, तो भाई वहाँ रुक सकता है। लेकिन कहते हैं भाई वहाँ पे, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रात भर नींद नहीं आएगी, और भाई जो ठंडा है वो सोने नहीं देगी बिल्कुल भी, दिमाग को इतना फाड़ देगी, इतना प्रेशर बना देगी कि आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी। बाकी भाई हमारे पास पानी नहीं था, थोड़ा बहुत और कुछ खाने वाने का देखेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी देर बाद भाई एक रेस्टोरेंट मिला हमें, और डॉक्टर गया हुआ है वहाँ पे लेने के लिए। और बस अब इसके बाद भाई निकलेंगे बारालाचा के लिए। और बारालाचा में भाई जितने अभी तक बर्फ़ नहीं देखी थी ना, पूरे टूर पे बर्फ़ नहीं देखी थी, उतनी बर्फ़ वहाँ पे मिलेगी बारालाचा में, और बहुत ठंड मिलने वाली है। और हवा दोबारा चालू हो गई भाई, तो खड़े हो नहीं जा रहे ज़्यादा देर बाहर तक। तो मेरा भी थोड़ी ऐसी तबीयत हो गई थी, मैं अभी पीछे उतरा था धक्का मारने के लिए, तो मैं सो रहा था उससे पहले, मेरे को पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पता लगा तो भाई ने बोला उतरो और फटाफट धक्का मारो, तो भाई उतरे। और अब मेरे को पता लगा बाद में कि वो जो ट्रोला था भाई, वो खाई की तरफ लटका हुआ था आधा, और उसके ऊपर मशीन थी, तो जिसका था भाई वो सेफ है, और जेसीबी लेने के लिए गया होगा वो, तो जेसीबी लेके आएगा और उसके बाद फिर हटवाएगा। तो पता नहीं कितना टाइम लगता, सुबह भी हो जाती, इसलिए भाई हमने तो अपने पीछे से शॉर्टकट देखा और शॉर्टकट से निकाल ली गाड़ी। हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये है अपनी गाड़ी भी निकल गई और अपना टाइम भी बच गया सारा। बाकी भाई ऊपर तारे देखो, दिख रहे हो तो आप सबको, तो भाई हम तो रात को निकल गए, चलो ठीक है, एक्सपीरियंस लेना चाहिए हर चीज़ का। बाकी भाई आप मत निकलना कोई भी, और ख़ासकर फैमिली के साथ तो भाई बिल्कुल भी नहीं। और अपने भाई महिंद्रा एक्सयूवी सही काम कर रही है, अभी तक तो एक भी जगह नहीं टिकी है ना कुछ हुआ, और बिल्कुल बढ़िया चल रही है। और बात करें एवरेज की, तो भाई एवरेज 6-7 की दे रही है एवरेज, और ये है पेट्रोल में तो थोड़ी तो वैसे ही घट गई, बाकी फिर भाई हो गया पहाड़ का सिस्टम। और गाड़ी में चाहिए होती है जान, तो भाई जान लगेगी तो एवरेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी गाड़ी की। और जब नॉर्मल रोड आते, सीधे रोड आते जैसे ले गए थे, तो उस टाइम पे दे रही थी ये भाई 10-11 के एयरफेयर में एवरेज दे रही थी गाड़ी। तो बाकी बड़ा भाई खड़ा है भाई ये ले जाने के लिए घर, तो आप देख रहे होंगे सारी वीडियो में, सारे व्लॉग में सिर्फ यही भाई गाड़ी चला रहे हैं। तो उन्होंने भाई कसम खा ली है कि थांग से सीधा दिल्ली गाड़ी लगाएंगे नॉन स्टॉप बिना रुके, तो इसलिए बीच बीच हम खाने का स्टॉक रख रहे हैं अपने साथ। और टाइम हो गया भाई 10:15 का, तो निकलते हैं, थोड़ा वो सामान ले लिया और पानी की बोतल वगैरह ले लिया भाई साहब, बस पूछा मत ना, एक धक्का मारा मजा आया भाई, सुन धक्का तो बाद में मारे, डिजायर वाले की गाड़ी हाथ में ले ली, उसमें ब्रेक नहीं, मकाज मैं मरूंगा सोनू भाई, पत्थर लगा दे पीछे भाई, मैं भक्के गया पत्थर ढूंढ के ले गया, पत्थर लगाया गाड़ी के पीछे, बस जैसे तैसे मिल गया पत्थर वो। तो भाई बस एक्सपीरियंस है भाई, यही करने आते यहाँ पे, एडवेंचर के लिए आते सब, और भाई हम भी एडवेंचर के लिए ही आए थे, कोई ये तो है नहीं भाई सीधे सीधे रास्ते करने, तो एडवेंचर यही होगा कि भाई रात को निकलो। जवान लोंडों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रात को निकलो दिन में निकलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई फैमिली के साथ मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल भी मत निकलना भाई, बिल्कुल भी। ये वीडियो सोच के ये मत सोचना भाई यार बोल रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही हवा बना दिया, भाई हवा बना है नहीं, हवा सच में ही है, तो फैमिली के साथ मत निकलना, फिर कह रहा हूँ भाई। तो भाई वीडियो बनाते बनाते मैं तो अंदर ही आ गया, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, हवा चल रही थी, और बाकी यहाँ दुकान खुली हुई आंटी की, और यहाँ लेटने के लिए भी दिखाया हुआ, लेटने का भी जुगाड़ किया हुआ आंटी ने, लेकिन भाई हम लेटेंगे नहीं, हम तो नॉन स्टॉप निकलेंगे। और भाई शकल और आवाज़ सुन के पता लग रहा होगा तबीयत खराब हो गई है, तो गाड़ी के अंदर थी उस टाइम पे जब बैठे थे, तो भाई गर्मी हो जाती है आराम से, लेकिन जब जैसे ही हमने ऊपर गेट खोला हवा लगी, और भाई सीधे दिमाग में लगी, सिर में हवा लगी, तब से भाई सिर में दर्द है गया। तो दवाई वगैरह भी ली नहीं मैंने, सोचा थोड़ा देर नॉर्मली अपने आप ही ठीक हो जाए, तो अभी थोड़ी देर में दवाई वगैरह लूंगा, उसके बाद देखते हैं आराम पड़ता है नहीं पड़ता है। तो भाई आंटी ने लेटने का जुगाड़ किया हुआ है, 200 रुपये पर हेड है भाई,
और 7-8 बंदों के लिए जगह बढ़िया। तो कोई भाई गलती से फंस भी जाए तो यहाँ आ जाओ भाई, बहुत फर्क है क्या अंदर और बाहर में। अभी तो लगा लो रजाई भी नहीं ली हुई और फिर भी इतनी गर्मी है कि यहाँ पे, तो बाहर तो भाई बेवकूफ़ी यार, टेंट में तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, वो तो गर्म होगा ही नहीं। तो आंटी ने बनाया हुआ है, काफ़ी गर्म है भाई, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं अगर 1% आप अगर आप फंस जाए तो, वरना भाई कोशिश करो अपने सीधे जाने की। तो भाई अपने बुर्गर आ गए, बुर्गर खाएंगे रात को, और सोचे 2-3 बजे खाएंगे, लेकिन अभी खोल दिया अपना साधन। सन्नी थक गया के? सन्नी एक्टिव है गया भाई, सन्नी को तो मैंने देख लिया, डॉक्टर थोड़ा थका थका लग रहा है लेकिन और आंटी बढ़िया चाय और कॉफी ले आई है। बाकी अपने बुर्गर का टाइम हो गया, बुर्गर खाएंगे, बुर्गर क्या खाएगा डॉक्टर? तो भाई ले से जो बर्गर लेके आए थे उनका खाने का टाइम आ गया है। इन मोहतरमा ने तो खा लिया अपना, जो फोटो छप रहा ये हमारा टाइम है खाने का। तो भाई कॉफ़ी पीने के बाद अब निकले, तो यहाँ पे आई अभी चेक पोस्ट और अब निकलेंगे आगे अब निकलेंगे और आगे की ओर। तो भाई यहाँ से स्टार्ट हो गया है लाहौल स्पीति और बारालाचा रह गए यहाँ से 32 किलोमीटर दूर। रोड है भाई ज़बरदस्त यहाँ से, उससे तो पीछे वाले से तो भाई लागुना बढ़िया है, काफ़ी चौड़े रोड है, तो अभी तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। बाकी आगे चल के देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। और अपनी दिल्ली भाई 782 किलोमीटर दूर है अभी, तो काफ़ी टाइम लग जाने वाला। कल भाई हम पहुंच जाएंगे घर, 2 या 3 के करीब पहुंचेंगे कल घर। 9 से 10 बजे पहुंचा ना भाई, 9 से 10 बजे ना, 2 से 3 कर ले कोई दिक्कत ना है। तुम्हें कमिटमेंट दे दी ना 9 से 10। तो भाई बिल्कुल सलमान खान ही हमारा भाई भी, एक बार बोल दी तो बोल दी, कह रहे 9 से 10 पहुँचा दूंगा, लेकिन अपना कहना तो यही भाई आराम से चलो 2 से 3 बजे तक पहुँचा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और भाई नॉन स्टॉप चलने की आदत भी इसी भाई की हैगी, मन तो खूब कह ली रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, भाई अगला मान नहीं ना है के करे, बड़ा है चलानी तो अपनी है ही, घनी पै पै करी भाई मन तार भी जा गई यहाँ आता रहूँगा टम्पू में लटक के। तो भाई रास्ते पे जा रहे थे और रास्ता है आगे से ब्लॉक, और हमें जाना था नीचे की तरफ से, शायद कट रह गया पीछे की तरफ, तो इतनी दूर चल के यार भाई रास्ता बंद मिला, अब मोड़ के फिर वापस दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। नेविगेशन वगैरह भाई सब कुछ बंद हो चुका है यहाँ पे, नेटवर्क नहीं बिल्कुल भी, तो इसलिए थोड़ी बहुत बस गड़बड़ हो रही है। तो भाई रोड तो फिलहाल तो अभी आगे दोबारा सही रोड, और 1-2 नाले पीछे गए हैं भाई, पहले तो बहुत डेंजर नाले थे वे, तो अब धीरे धीरे जैसे ही सब अपग्रेड होता जा रहा है यहाँ पे, जैसे रोड बनवा दी, पहले कच्चा था कच्चे समय से जाते थे, तो ऐसे ही करते करते भाई वे नाले ही बंद कर दिए। बाकी अभी नाला आने वाला है पागल नाला, देखते हैं अभी वे बंद है या वे भी खुले हैं, मेरे हिसाब से तो भाई वे भी बंद कर दिए होंगे, क्योंकि काफ़ी बंदों को दिक्कत होती है वहाँ पे, काफ़ी गाड़ियाँ फंसती थी भाई, बहुत तो बंदों का सफ़र ख़राब हो जाता था बीच में ही। और आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी पागल नाले की भाई, वही नाला आने वाला है अभी आगे, और 2 नाले आने हैं अभी, तो देखते हैं खुले हैं बंद है वो। तो भाई एक नाला मिल गया यहाँ पे, और ये ज़्यादातर नाले भाई बंद कर चुके, लेकिन ये वाला खुला है, और ऊपर से ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं, तो उसी का प्रेशर बना हुआ है पानी का ये। बाकी भाई नेविगेशन भाई राम भरोसे हो रहा है बिल्कुल, ना नेटवर्क आ रहा है ना कुछ है। बस 2 चीजों का साथ चाहिए अभी, गाड़ी का और नेविगेशन का। शुरू तो नेट आ रहा है ना भाई, नेटवर्क का सब गायब हो गया, पानी बोतल दे रहा है भाई, सब ठीक है भाई, ओके भाई। तो भाई बिना नेविगेशन के फिर रास्ता गलत ले लिया हमने, तो चलो कोई ना फिर मोड़ते हैं और फिर चलते हैं दूसरी तरफ, हम लेफ्ट हो गए, हमें जाना था राइट, कोई बात नहीं। शीशा खोल लियो, काट दे जान दे, घुमा दे बस गड्ढा साहिल का सा, बस आगे ले अब। तो भाई यहाँ तो गाड़ी मोड़ में भी आफत का काम हो रहा है, एक तो अंधेरा और ऊपर तो फिर भाई बड़े बड़े पत्थर है, और रास्ता ले लिया था गलत, हम लेफ्ट मुड़ गए थे, जाना था हमें राइट। सही करा हमने भाई, अपने हरियाणा वाले भाई आता पूछ लिया, वे भी गलत चले गए तो उन्होंने पहले बता दिया भाई गलत जा रहे हो, उधर की तरफ जाना है। तो भाई एक बार और इस नाले को पार करते हुए भाई, आप मत देखियो
बार बार ना आ रहे। और हमें जाना था भाई उधर की तरफ, मीर मुड़ के भी ये था सही रास्ता, तो हम जा रहे हैं राइट। तो भाई ये है पागल नाला, ये है पागल नाला। और अभी भाई साहब शांति के मूड में आएंगे, कोई हलचल नहीं कर रहे ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी पागल नाले को शांत रखने के लिए। तो भाई ये था वो पागल नाला। तो भाई ये है बारालाचा का पागल नाला। भाई साहब यहाँ के ज्यादा हाईलाइट बंदे आएंगे, तो इसलिए हमें गाड़ी से उतर के आना पड़ा इनकी वीडियो बनाने के लिए। इनके भाई बहुत चर्चे सुने थे, ये ऐसे हैं भाई साहब, ये वैसे हैं, लेकिन फिलहाल तो भाई शांत आएंगे। शायद टाइम हो रहा है 11:30, भाई साहब सो रहे होंगे, लेकिन भाई इनका ही ऐसा रूप है कि यहाँ पे जब गाड़ी और बाइकें निकलती है ना, उनकी भाई हालत खराब हो जाती है। और मेरी बात पे भरोसा ना हो तो भाई यूट्यूब खोलना और बारालाचा का पागल नाला देख लेना, उनकी दुनिया भर की वीडियो निकलेगी। जितने भी राइडर है भाई उनको देख लेना फिर। और भाई ये गाड़ी भी गलत जा रही है, ये भी मोड़ के लाएगा भाई, आगे रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है वहाँ, वो गलत जा रहा है। एक गाड़ी वो आ रही है, वो सही आ रही है हमारे पीछे, वे दो दो तीन तीन गाड़ी इकट्ठी होगी भाई, सब गलत हैं, सब मोड़ के लाएंगे ऊपर। अबे दो तीन गाड़ी इकट्ठी होगी। तो भाई एक नाला और आने वाला है आगे, करते हैं उसका भी इंतजार अभी। और सन्ने बिल्कुल फ्रेश मूड में, कोई थकावट नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बैठा गाड़ी में सुबह से। शीशे चढ़ा ले भाई साहब, किसकी गिट्टी घोटोगे, ग्लव्स पहन के मर्डर करने जा रहा हूँ। तो भाई ये है बारालाचा, अरे ये लगा लो 12 महीने भाई, यहाँ पे बर्फ जरूर मिलेगी, कहीं मिले ना मिले यहाँ जरूर मिलेगी, आपके फ्रिज में भी नहीं मिलेगी लेकिन यहाँ जरूर मिलेगी। और अभी रास्ते फिलहाल इसके खराब आएंगे, देखते हैं कब तक चलेंगे टूटे फूटे रोड। पहले सही थे इसके रास्ते खराब, ये बर्फ का पानी निकले ना, ये ग्लेशियर पिघलते रहे, बर्फ पिघलती रहे, उस तरह रोड टूट जाए सारा। बचे कुछ भाई 60-70% भाई ट्रक वालों का हाथ है क्या जो रस्ते तोड़े, लेकिन इनका भी जाना जरूरी है, नहीं तो फिर माल पानी कैसे पहुंचेगा भाई। तो भाई फाइनली बारालाचा पहुंच गए हम, और रास्ते ठीक भी हैं कुछ खराब भी हैं, और टाइम हो गया भाई रात के 12, तो चलते अभी और आगे की ओर। बाकी गाड़ियां वगैरह भाई अभी कोई नहीं आ रही, जो मैं बता रहा था गलत रास्ते पे नीचे की तरफ चली गई थी, वे नीचे ही अभी मोड़ेंगे और फिर ऊपर की तरफ से दोबारा लेके आएंगे। अभी फिलहाल हमारी अकेले की गाड़ी चल रही है यहाँ, तो चलते और आगे भी। तो भाई अगला नाला ये वाला आना था, और आज भगवान मेहरबान है कि सारे नाले रखे आएंगे। बाकी ये बर्फ से और उससे ग्लेशियर से ही फर्क पड़ता है पूरा पूरा, तो अभी फिलहाल तो कम है क्या। और ये भाई पूरे रोड पे है, यही बहुत मशहूर है यूट्यूब पे। ओ थोड़ा बहुत पे आएगा पानी, इतने दिन होगा कुछ भी। अरे भाई बहुत लंबा है नाला ये वाला, ये सीधा रोड पे चलता है ये वाला नाला, कोई तो आते हो ऊपर से नीचे की तरफ, ये ऐसे चल रहा है सीधा। और भाई टाइम हो गया है 12:30 का, और भाई के लॉन्ग रह गया अभी 50 किलोमीटर और। ये साइड में जगह बना दी ना इसकी नाले की, दिख रहा है? हाँ ये रास्ते बना दी ना, यहाँ तो नहीं कट जाएगा नाला वो, तो भाई नाले के लिए बना दिए नाली, इसलिए अब रोड पे नहीं आएगा वो भाई। चलते ना, तो भाई ये है किलोंग से पहले वाला नाला, ये लास्ट नाला है अब, तो आज तो सारे नाले भाई सेट हो बैठे बिल्कुल, नहीं तो ये नाले जितने भी है भाई सारा जीना आराम कर देते हैं। ये भाई किलोंग का लास्ट नाला भाई वाला, या तो यहाँ पे काम हुआ है उसकी वजह से थोड़ा कम प्रेशर हो गया है, या फिर कोई और रीजन। और भाई तेल है कुछ अपने ऐसा है, ये तेल होने वाला खत्म, और तेल मिलेगा अब सीधा 50 किलोमीटर बाद।